आई एम 51 ईयर्स ओल्ड और अभी मैं आधी एज में पहुंची हूं, अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। Hi, so you're gonna jump from 10,000 feet. How it's feeling? Yeah, I'm feeling पता नहीं क्या होगा तो मुझे उड़ना है और बस उड़ना है। So that experience I want to feel कि जो birds fly करते हैं तो उनको कैसा लगता है, jump मार के कैसा लगता है, free fall क्या होता है, which I am teaching my kids. So that's I'm going to experience myself. Okay, all the best, all the best. Thank you. Guys, जिनको adventure पसंद है और दिल्ली NCR में रहते हैं तो दिल्ली से लगभग 120-30 किलोमीटर की दूरी में नारनौल जगह आता है, वहाँ पर आप एडवेंचर के लिए बहुत ही बढ़िया ये गजब का फ्लाइट देख रहे हैं आप, ये छोटी सी फ्लाइट, इसमें आपको 10,000 फीट ऊंचाई तक ले जाएगा, उसके बाद एक ट्रेनर के साथ आप नीचे जंप करेंगे। एक बार मैंने ऋषिकेश में बंजी जंपिंग किया था, हालांकि इतना वेट नहीं था, बहुत वेट है मेरा अभी, तो इसका कुछ क्राइटेरिया है और यहाँ का इससे बेटर जानकारी मनीष जी बताने वाले हैं। Hey guys, my name is Manish and I manage this drop zone. और अभी भाई आए हुए हैं हमारे drop zone पे. So basically हम लोग sky diving operate करते हैं नारनौल हरियाणा पे. And here is our plane. So this is Cessna 172 Skyhawk, 4-seater plane है basically. And we do tandem jumps. Tandem jump instructor के साथ में आप लोग jump करते हो. First time अगर जो आप jump कर रहे हो, जो आपकी jump की height होती है 10,000 feet की height होती है. एंड उसमें आपका फ्री फॉल होता है अराउंड, जब आपका पैराशूट ओपन नहीं होता है, यू आर फ्लाइंग इन द एयर अराउंड फॉर 25-30 सेकेंड्स, और उसके बाद आप एक बार पैराशूट खुलता है, 5-7 मिनट का पैराशूट राइड होता है और आपके इंस्ट्रक्टर साथ में रहते हैं फर्स्ट टाइम। एंड येस, यू विल बी हैव फन अगर जो आप लोग यहाँ आते हो। बेसिकली हम लोग ट्रेनिंग्स भी ऑपरेट कराते हैं, इवन स्टैटिक लाइन कोर्स भी कराते हैं हम लोग। एंड टैंडम जंप्स तो हमारी फ्रीक्वेंटली हर वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडेज वी आर ऑपरेटिंग। सो एनी वीकेंड कोई भी आके बुक कर सकता है, यू कैन बुक ऑनलाइन। और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट मैंडेटरी होता है बेसिकली जंप के पहले। एंड उसके बाद आप लोग का जो सबसे एक क्राइटेरिया होता है 90 kgs का वेट का, सो यू शुड बी 90 और बिलो 90, सो दैट विल बी गुड इनफ। और यू कैन एनीबडी कैन मेक अ जंप, नो इशूज़, बट मेडिकली फिट होना चाहिए उस चीज़ के लिए। सो दैट्स द सीन। And this is our drop zone. We are having a landing area over there. So you'll be going up from this tarmac only. Here's our runway. You can see at the left side the whole runway. And soon we'll. Currently we are having a weather hold. We'll be starting soon. No issues. Abhi you can see this is landing area. This is whole landing area. You have. आप लोग यहीं land करते हैं जब आप ऊपर से आते हैं. And you'll be have fine experience here. So here's our setup. This is our office. Basically आप लोग training भी attend करते हो, like around 25-30 minutes की training होती है before jump. So that's mandatory for every jumper. And yes, we operate like this. So guys, this is our area. Well, like we have a chilling area before jump. You guys are chilling here. And this is our office. और यहाँ we are having a small container for a canteen. So you can have something while jumping or before jumping. You can chill out or you can come inside. This is our office area. सो बेसिकली ये हमारा एक फ्रेम है, वी आर पुटिंग द बेस्ट पिक्चर्स आउट देयर इन दिस फ्रेम। और ट्रेनिंग एरिया, यू विल बी गेटिंग योर ट्रेनिंग हियर, यू आर हैविंग अ स्मॉल स्क्रीन बेसिकली फॉर हाफ एन आवर, यू विल बी गेट टू नो ईच एंड एवरी थिंग, योर प्लेन अप्रोच, लैंडिंग, योर एवरी थिंग, द बेसिक्स ऑफ स्काई डाइविंग, वॉट यू नीड टू डू बिफोर टैंडम जंप। सो दैट विल बी वेरी कन्वीनियंट इफ यू आर कमिंग हियर। वी आर हैविंग, वी आर USPA मेंबर, यूनाइटेड स्टेट पैराशूट एसोसिएशन, सो वी आर ऑल एफिलेटेड विद USPA। और हम लोग काफ़ी जंप्स कर चुके हैं, अराउंड 2000 जंप्स हम लोग ऑल अराउंड कर चुके हैं पिछले 5 सालों में, और इस सीज़न भी अराउंड 21 सीज़न, आफ्टर कोविड आल्सो वी डिड अराउंड 400 जंप्स। सो दैट्स प्रीटी क्लीन और इट्स ऑल सेफ, 500% सेफ गाइस। अभी कोई भी जंप कर सकता है, जस्ट मेडिकली फिट हो एंड वेट कैटेगरी। एंड हियर इज आवर इक्विपमेंट एरिया, वी आर हैविंग आवर रिग्स एंड ये हार्नेसेस एंड आपके जो पैराशूट्स होते हैं, सो एवरी थिंग इज़ हियर इन केप्ट इन दिस, इट्स ऑल सेफ। वी आर हैविंग प्रोफेशनल रिगर्स एंड योर इंस्ट्रक्टर्स एज वेल एज, सो यू कैन सी दिस इज़ द थिंग। ओके,
Hi, I'm Neeru Saini. I'm a government senior secondary school teacher in Chandigarh. और मैं साइंस पढ़ाती हूँ बच्चों को और फ्री फॉल के बारे में नाइन्थ क्लास में बताती हूँ. ठीक है, फ्री फॉल होता क्या है प्रैक्टिकली भी तो देखना चाहिए ना. इसके लिए मैं यहाँ पर स्काई डाइविंग के लिए आई हूँ जो मैं कर चुकी हूँ और 10,000 मीटर के ऊपर से जाके वहाँ पर मैंने जंप किया. मेरे को तब सिर्फ यही थॉट्स आ रहे थे कि माय गॉड वो कौन थे जो फर्स्ट पायलट जिसने पहले एरोप्लेन बनाया और फिर फर्स्ट पायलट ने डेयर किया उसमें जाके देखने का, फिर स्काई डाइविंग के लिए किसी ने डेयर किया, फिर किसी ने पैराशूट में सबसे पहले बना के डेयर किया. उनकी लाइफ तो कितनी रिस्की रही होगी, हमारे लिए तो सारा कुछ पूरा सेफ्टी इश्यूज पूरे फॉलो किए जाते हैं और फिर हम इंजॉय कर सकते हैं और वो फ्री फॉल का फन ले सकते हैं. इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. करके देखोगे तो पता लगेगा कहाँ जा रहे हैं. मीन्स मैं पागल हो गई थी थोड़ी देर के लिए और कभी हवा को, कभी वायु, कभी बादल, कभी सूरज, उन सबको मैं थैंक यू कह रही थी. मैं तुम सबके बीच में बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट में हूँ और किसी के साथ नहीं हूँ. नीचे पूरे धरती पूरी सुंदर सी दिखाई दे रही है और सब 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 कुछ बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर लगता है मुझे ये सब करना. और लैंडिंग भी फर्स्ट क्लास हुई है मेरी. मीन्स आई जस्ट एंजॉय, जैसे कि पक्षी कैसे उड़ता है, वो मज़े कैसे करता है, वो सब देखा मैंने. तो मेरा इंस्टा हैंडल है नीरू प्रदीप सैनी, प्लीज़ फॉलो मी देयर. और मैं मोटरबाइकिंग भी करती हूँ. मैं सोलो राइड कश्मीर में होके आई हूँ अभी पिछले महीने. फिर मैं साइकिलिंग भी करती हूँ. मैं चंडीगढ़ से शिमला और चंडीगढ़ से चैल यहाँ पर वहाँ पर अपना साइकिल करके जाती हूँ. देन रनिंग भी करती हूँ, हाफ मैराथन लाइक 21 किलोमीटर्स. एंड देन उसके बाद में आई डू योगा ऑल्सो. आई एम योगा एडिक्ट रेगुलर प्रैक्टिशनर. अर्ली मॉर्निंग आई हैव टू प्रैक्टिस, इवनिंग आई हैव टू प्रैक्टिस. सो प्लीज़ अपनी बॉडी को ख़राब नहीं करना, अच्छा खाना खाना और खूब तंदुरुस्त रखना ताकि दुनिया भर के इंजॉयमेंट फन कर सको. आई एम 51 ईयर्स ओल्ड और अभी मैं आधी एज में पहुँची हूँ. अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है. थैंक यू.